गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी क्या है कि इंडिया वर्ल्ड कप हार चुकी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हुआ था तो वो इंडिया हार चुकी है। तो अब न्यूज़ क्या आ रही है, न्यूज़ ये आ रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली संन्यास लेंगे, ठीक है। वैसे ये बात श्योर है कि ये लोग संन्यास लेने वाले नहीं है। इंडिया टीम में खराबी क्या है, इंडिया टीम में यही खराबी है कि इतना नाम कमा लेने के बाद भी जब तक उनको निकाला नहीं जाता है ना लात मार के, तब तक वो लोग जाते नहीं है। और ये इंडिया में अभी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत समय पहले से है। मतलब सचिन तेंदुलकर इतने बड़े प्लेयर हैं, अपनी पूरी 24 साल केवल वो मैच खेले, कितना नाम कितना पैसा कमा लेने के बाद भी एक लालच बना रहता है यार कि खेलें खेलें। ये लालच 2013 में जाके या 12 में जाके संन्यास लिए, वर्ल्ड कप जीत लिए। कहा जाता है कि यार वो वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे इसलिए। अबे यार आप ये भी तो सोचो कि आपके चक्कर में कितने ऐसे लोग बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, जो आना चाहते हैं क्रिकेट में, लेकिन आप जगह खाली करते नहीं हो और इतनी किसी की औकात होती नहीं कि आपको निकाल पाए, तो आप बने रहते हो। नए लोगों को या नए लड़कों को मौका क्यों नहीं दिया जाता है। अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए बात चल रही है, लोग नहीं हटेंगे, नहीं अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे, क्योंकि नेम फेम ये लोग कमाने के लिए इतने मरे रहते हैं, इतने ही मरे रहते हैं। यार आपने इतना पैसा कमा लिया है अपनी लाइफ में कि पता नहीं ज़िंदगी आपकी कितनी अच्छे से गुजरेगी, आपकी और आपके बच्चों की। आप उसका इंटरेस्ट ही नहीं खा पाओगे, खर्च कर पाओगे, लेकिन ये लोग नहीं। मतलब 1% हम ये मान ले कि रोहित शर्मा तो छोड़ देंगे, लेकिन विराट कोहली नहीं छोड़ेगा। वो बंदा बहुत बड़े लेवल का लालची है, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना, सचिन ने मतलब देश के लिए खेला। सच ये बहुत गलत बात है। सचिन ने इनिशियली सचिन ने देश के लिए खेला था, बाद में केवल अपने लिए खेला, बाद में केवल और केवल अपने लिए खेला। जैसे ये वर्ल्ड कप जो था, ये वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने देश के लिए खेला है। मतलब जो उनका काम था कि आके तेज खेलना, रन बनाना, वो उन्होंने खेला, अपना काम पूरा को पूरा किया। लेकिन लेकिन विराट कोहली ने नहीं किया, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल उससे ले सकते हो, ऑस्ट्रेलिया से डारेन लेहमैन, 2003 का जो वर्ल्ड कप था, जिस डारेन लेहमैन ने ही इसको रन आउट किया था वीरेन सहवाग को। अच्छा खेला था वीरेन सहवाग, शायद वर्ल्ड कप जिता भी देते शायद, ठीक है। उस बंदे ने जब वो टॉप पे था, पीक पे था, तब उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले लिया कि नए लड़कों को मौका मिले। लेकिन इंडिया टीम में या हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ लोग इतने लालची हैं चीज़ों के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए, कि वो अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते। ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। इंडिया में बताओ, सुनील गावस्कर अब गुटके का ऐड करते हैं। यार क्या है, आपने पूरी जिंदगी इतनी अच्छी निकाली, आप गुटके का ऐड करते हो। हाँ तो हमें ये बात सीखनी चाहिए फॉरेन कंट्री से और उन लोगों से, इतना तो सीखना चाहिए। सचिन ऐसे प्लेयर हैं, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत नाम कमाया, लास्ट में क्या कर रहे हैं। लास्ट में अभी मतलब कि ऐप होता है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वो ऐप सट्टा लगाती है, ठीक है। तो अभी विधायक एक रहे हैं मुंबई के, उन्होंने इनके लिए मतलब वो कर दिया है कि भिखारी सचिन। अभी इतना पैसा कमाया, भूख नहीं जाती क्या आप लोग के।